आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं द अर्थ एटमॉस्फेयर। ये पांच प्रकार के होते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ये पांच प्रकार के हम आज डिटेल में जानेंगे। वायुमंडल की संरचना, एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर। पृथ्वी की सतह से करीब 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार पाया जाता है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के तापमान एवं दाब में बदलाव के आधार पर वायुमंडल को पांच परतों में बांटा गया है। पहला है क्षोभ मंडल, जिसे हम अंग्रेजी में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। दूसरा है समताप मंडल, जिसे हम अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। तीसरा है मध्य मंडल, जिसे हम अंग्रेजी में मेसोस्फेयर कहते हैं। और चौथा है बाहमंडल, जिसे हम अंग्रेजी में थर्मोस्फेयर कहते हैं। और पांचवा है बारही मंडल, जिसे हम अंग्रेजी में एक्सोस्फेयर कहते हैं। आइए हम बारी बारी से इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। ये देख लीजिए, ये है इसका चित्र। क्षोभ मंडल, जिसे हम अंग्रेजी में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, यह वायुमंडल की सबसे निचली एवं महत्वपूर्ण परत है। मौसम संबंधी परिवर्तन इसी मंडल में होती है। इसके औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई व विस्तार सभी स्थानों पर एक समान नहीं है। विषुवतीय क्षेत्रों में इसकी लंबवत विस्तार अधिक होती है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में कम होती है। यहाँ जल वाष्प एवं धूल कण अधिकता में मिलते हैं। मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं। इस मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं, तापमान कम होती जाती है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। समताप मंडल, जिसे हम अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। समताप मंडल का आरंभ क्षोभ मंडल के बाद होता है। इस मंडल का फैलाव करीब 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। इस मंडल के निचले भाग में अर्थात 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान स्थिर रहता है। इसके बाद जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं, तापमान तेजी से बढ़ता है। ऐसा होने का प्रमुख कारण इस परत के ऊपर में ओजोन की परत का पाया जाना है। यह परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोख लेता है। यह मंडल हवाई जहाज के लिए उपयुक्त है। मध्य मंडल, जिसे हम अंग्रेजी में मेसोस्फीयर कहते हैं, यह समताप मंडल के ठीक ऊपर वाली परत है। इसकी ऊंचाई करीब 80 किलोमीटर है। यहाँ ऊंचाई के बाद तापमान घटता है। यह मंडल अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंडों से हमारी रक्षा करता है, क्योंकि जैसे ही उल्का पिंड इस मंडल में प्रवेश करते हैं, घर्षण के कारण जल जाते हैं और पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाते हैं। बाहमंडल, जिसे हम अंग्रेजी में थर्मोस्फेयर कहते हैं। वायुमंडल की इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान तीव्रता से बढ़ता है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इसी परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती हैं। बाह्य मंडल का फैलाव 80 से 400 किलोमीटर तक है। अब हमारा ये टॉपिक खत्म हो चुका है। अगर आप इस वीडियो को पसंद किए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।